इस वीडियो में मैंने एक ऐसे बंदे से बात की जो कि एक टाइम पर वॉचमैन की जॉब करता था, और वॉचमैन की जॉब करते करते उसने खुद से जावा सीखा, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा, और आज वो एज ए जावा डेवलपर यूएस बेस्ड कंपनी में एक रिमोट जॉब कर रहा है। ये स्टोरी है रितेश की, जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल डिग्री के, बिना ग्रेजुएशन के, ऐसे एंड्रॉयड डेवलपर यूएस बेस्ड कंपनी में जॉब ली। और आई एम श्योर कि रितेश की स्टोरी आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको एक उम्मीद देगी कि आप भी बिना किसी प्रॉपर बैकग्राउंड के इस कोडिंग के फील्ड में, प्रोग्रामिंग के फील्ड में आ सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो चलिए रितेश से ही उनकी स्टोरी सुनते हैं। हाय रितेश, कैसे हो? हेलो अनुराग, बस बढ़िया। आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। आपने मुझे अपनी स्टोरी भेजी इंस्टाग्राम पे, मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि कैसे आपने एक वॉचमैन की जॉब की और स्ट्रगल किया, फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाए। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी स्टोरी, मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर करते हैं। तो यस अपने बारे में बताइए थोड़ा, अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या है स्टोरी, हाँ, क्या तो क्या? मैं अभी फिलहाल तो एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप है, शॉप टू ऐप नाम है, तो उसमें मैं अभी कर रहा हूँ। और मतलब कि काफ़ी सही वर्क एक्सपीरियंस रहा है मेरा कंपनी में और पिछली कंपनियों में भी। तो मतलब कि काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है इस दौरान काम करते टाइम। हाँ बस अभी ठीक है। तो यस अभी करंट कंपनी में तुम्हारी यूएस बेस्ड कंपनी है ना, तो रिमोट है वो, रिमोट जॉब हाँ, रिमोट है तो घर से ही काम करता हूँ या फिर कहीं से भी जहाँ पे मन है? करे। अच्छा ठीक है, कहाँ से हो तुम? वैसे तो बिहार से बिलोंग करते हैं, बट अच्छा मतलब मम्मी पापा काफी पहले आ गए थे यहाँ पे दिल्ली में ही, तो दिल्ली में ही रहते हैं अभी हम, अच्छा सही। बट बैलोंग्स टू बिहार, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सही है, तो दिल्ली में ही पढ़ाई हुई है तुम्हारी। ठीक हाँ, दिल्ली में पढ़ाई हुई है। है, और तो अपनी यस पढ़ाई के बारे में बताओ, क्या क्या पढ़ा है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर गीक्स फॉर गीक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर, जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें टॉपिक तो समझ में आ जाता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है। हम जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो अटक जाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसके लिए गीक्स फॉर गीक्स बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अपने स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको गीक्स फॉर गीक्स खोल लेना है, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन के अंदर आपको GFG STE शीट यहाँ पे चले जाना है, और फिर यहाँ पे हमें बिगनर्स DSA शीट ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि ये पहला हमारा क्वेश्चन है, सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। तो हमें एक एरे के अंदर एक एलिमेंट को सर्च करना है, और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट हो सकता है कोई दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट हो, हमें जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेना है, जावास्क्रिप्ट और Node.js यहाँ पर। और फिर यहाँ पे अगर मैं अपना सॉल्यूशन पेस्ट करूँ, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख रखा है, इसको अगर मैं पेस्ट करके सबमिट करता हूँ यहाँ पे कॉर्नर में, मैं एक बार छोटा करके इसको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, और हमें यहाँ पे दिखाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। ऐसे ही आप हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये जब करेंगे आप तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होगी। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास PODT है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ द डे, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको गीक बिट्स मिलती हैं। गीक बिट्स का यूज करके आप कोर्सेस और मर्चेंडाइज पर डिस्काउंट पा सकते हैं। और जब आपका बिगनर्स डेटा शीट आपका कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि आपको बिगनर वाला आ गया है, तो आप एडवांस जब करना चाहें तो आप ये कोर्स इनका परचेज कर सकते हैं। मैं ये कोर्स काफ़ी रिकमेंड करता हूँ, ये इनका जावास्क्रिप्ट के अंदर DSA का कोर्स है, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको मैंने खुद फॉलो किया है। तो आप ये कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, और जब आप एकदम रेडी है ना, तो इन्हीं के प्लेटफॉर्म से आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म्स पर एक जॉब्स का सेक्शन है, जहाँ पे गेट हायर्ड का एक सेक्शन है, वहाँ पर आप अलग अलग जॉब ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसी प्लेटफॉर्म से जॉब भी पा सकते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि GFG कर लो, हो जाएगा। अपने वीडियो पर वापस आते हैं। पढ़ाई में मैंने 10th तक तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और 10th के बाद फिर किसी रीज़न से मुझको ऐसा लोकल लोकल प्राइवेट स्कूल में ऐसा पढ़ा था। तो उसके बाद फिर 12th के बाद
जो हमारी जो फैमिली की फाइनेंशियल वो था, फाइनेंशियल सिचुएशन वो सही नहीं थी, तो फिर उस मैं जो आगे की पढ़ाई करना चाहता था तो वो अपना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम मतलब हमारे पे मतलब सच में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मैं किसी इग्नू में या फिर किसी और डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग में भी मैं इनरोल कर पाऊँ। तो फिर मैंने तो 12th के बाद मैं कुछ ज़्यादा खास करा नहीं, मैंने बस ये था। तो अभी अभी ट्वेल्थ, मैं अच्छा अभी 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 मैं फ़िलहाल इग्नू से BCA कर रहा हूँ डिस्टेंस से, अच्छा तो अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है। अच्छा अभी इग्नू से BCA कर रहे हो, जी, सही है। अच्छा 12th में क्या लिया था, कौन सा सब्जेक्ट लिया था? 12th में मेरे पास था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अच्छा, और ये जैसे तुमने बोला 10th तक तुमने सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो क्या वो इंग्लिश मीडियम था या हिंदी मीडियम था? सरकारी स्कूल में क्या था कि दो सेक्शंस बने हुए थे, तो मतलब जैसे ए बी सेक्शन, तो बी सेक्शन में हिंदी मीडियम पढ़ाई होती थी और ए सेक्शन में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती थी। तो अच्छा मैं जो अच्छा था वो ए सेक्शन में था, तो इंग्लिश मीडियम हमारी होती थी पढ़ाई। सही है, ठीक है। और बताओ अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में क्या है? हाँ, तो मतलब मेरे पापा जो थे, तो मतलब उनकी जो मंथली इनकम थी, मतलब हमारी फैमिली की जो ओवरऑल इनकम थी मंथली, वो 12-13 हज़ार, ऐसा 12-13 हज़ार पे ही रहता था। उसमें एक दिल्ली जैसे एरिया में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता था, और हम रेंट पे भी रहते थे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, और काफ़ी ज़्यादा लोन भी बढ़ गया था कोविड की वजह से। मतलब सरवाइव कर पाना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था, क्योंकि मतलब पापा की भी जॉब छूट गई थी, तो अच्छा फिर हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो फिर उसी दौरान फिर मैंने और मेरे भाई ने घर को सपोर्ट करने के लिए फिर हमने ऐसा जॉब ढूंढना स्टार्ट करा, ठीक है। अच्छा तो वॉचमैन की जॉब करे, क्योंकि उस टाइम वॉचमैन की जॉब मिल रही थी, और कोई, क्योंकि सारे सारी चीज़ें बंद थी तो वॉचमैन की जॉब मिल रही थी, तो हमने वही करा। तो 6 मंथ्स ऐसे ही करा हमने वॉचमैन की जॉब, उसके बाद फिर मतलब तो बस उस यही टाइम था पर, फिर। हाँ उस टाइम पर 12th तुम्हारा कंप्लीट हो चुका था? हाँ, 12th हो चुका था मेरा। अच्छा ठीक है, तो क्या रहता था वॉचमैन की, मतलब कहीं फ्लैट में, कहाँ पे वॉचमैन की जॉब करते थे तुम, किसी मैंने तो एक तो कंपनी मैंने में? हाँ वजीरपुर, एक दिल्ली में एक आजादपुर नाम की जगह है, तो हाँ आजादपुर के जस्ट बगल में एक वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी। तो उधर ही एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो वहीं पे मैंने कुछ दिन करा था, कुछ एक 1.5-2 महीना ऐसे करा था। उसके बाद फिर एक सोसाइटी थी पीतमपुरा दिल्ली में, तो पीतमपुरा में मैंने सोसाइटी में मैंने ऐसा एक 1 महीना के आसपास करा। फिर मैंने करोल बाग में एक सोसाइटी है, तो वहाँ पे मैंने करा वॉचमैन की जॉब, बस यही था। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स फेस करी थी मैंने, कि जो चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। तो क्योंकि मतलब वही है ना, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे गर्मी गर्मी में आप खड़े हैं और धूप में खड़े हैं, और कोई भी आ रहा है आपको सुना के चले जा रहा है कुछ भी। और मतलब कभी कभी जब नाइट शिफ्ट होता था, तो जैसे सोसाइटी के बाहर अगर हम गेट पे जब ड्यूटी होती थी, तो रोड पे वहाँ पे सोना पड़ता था। और मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम काफ़ी लाइफ की जो रियलिटी थी, तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम मैंने सीखा, और काफ़ी कुछ अपने आप को वहाँ से मैंने मजबूत बनाया। तो इतना है। बहुत बहुत, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे ऐसा फॉर्चुनेटली करना नहीं पड़ा, लेकिन होता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं, और ये हार्ड चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं, है ना, बहुत यस यस लाइफ के लेसन सिखाती हैं कि कैसे लोगों से डील करना है, एग्जैक्टली कैसे कैसे तुमसे बिहेव करेंगे लोग,
बहुत सारा सीखने को मिलता है। क्या सैलरी थी तुम्हारा एज ए जब तुम वॉचमैन काम करते थे? उस टाइम तो मुझको मिलता था 9,000 में, 9,000 मिलता था, अच्छा, कितने घंटे की जॉब रहती थी? 12 घंटे की रहती थी। और अच्छा, मतलब कि सोने का नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी, फिर हमको उठ के जाना पड़ता था दोबारा जॉब से, मतलब ऐसा था। अच्छा, तो काफी ज्यादा, नाइट की शिफ्ट रहती थी या दिन की? जैसे मैं जब मैंने पहला जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ मैं कर रहा था, तो वहां पे तो मैं डे का था मेरा। फिर ठीक। जो उसमें था पीतमपुरा में जो मैंने करा उसमें, तो वहां पे सोसाइटी में, तो वहां पे अल्टरनेट, मतलब जैसे 15 15 दिन पे डे और नाइट का चेंज होता था वहां पे। और फिर करोल बाग में तो मैंने डे में ही करा है। अच्छा, ठीक है। तो फिर कैसे तुमने वो जॉब छोड़ी? क्या तुम्हें आया माइंड में कब छोड़ा? हाँ, तो क्या हुआ था ना कि जब लॉकडाउन लगने वाला था 2020 में, तो एक लाइब्रेरी से, मतलब एक सरकारी लाइब्रेरी से, मैंने एक बुक लाया था, जावा फॉर डमीज। उसके जो राइटर थे वो डॉग लॉवे थे, तो वो काफी अच्छी बुक है एक बिगनर के लिए, मतलब जिसको जावा सीखनी है, वो कॉन्सेप्ट समझने, ऊप्स वगैरह कॉन्सेप्ट, तो उससे वो काफी, मतलब काफी इजी टू अंडरस्टैंड थी वो बुक। तो मैंने कहीं मैंने उसका रिव्यू पढ़ा था अमेजोन वगैरह पे, तो फिर मुझको वही बुक सेम लाइब्रेरी में दिख गई थी। तो फिर मैं उसको 14 दिन के लिए इशू करवा के अपने घर पे ले आया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मतलब अचानक से लॉकडाउन लग गया। फिर मैं उस बुक को वापस करवाने जा भी नहीं पाया लाइब्रेरी दोबारा, और वो बुक मेरे पास ही पड़ी रही। ठीक है, ऐसा अच्छा, हो गया किसी था। ने पूछा भी हाँ नहीं? हाँ पूछा भी नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, फिर मैं वॉचमैन की जब जॉब करने लग गया, तो फिर मैं अपना जो मेरी जहाँ ड्यूटी थी, तो वहीं पे ही, वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई आता नहीं था बंदा, मतलब भीड़ भाड़ थी नहीं, तो मुझे काफी टाइम मिल जाता था पढ़ने का वहाँ पे। तो मैं जहाँ पे भी ड्यूटी होती थी, तो मैं वहीं पे बुक ले जाता था और वहीं पे पढ़ता था। और अच्छा, मतलब हाँ, तो जितना टाइम मैंने काम करा, तो उसको मैंने, मतलब वॉचमैन की जॉब में कुछ करना तो होता नहीं, बैठे रहना होता है। ठीक है, तो मैंने अपने टाइम को फुल यूटिलाइज करा उसमें कि भाई कुछ सीखूं, मैं कुछ सीखूं। तो जावा में स्टार्टिंग में तो मतलब वही प्रोग्रामिंग कैसे होता है, मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट वगैरह आए, वेरिएबल डिक्लेयर करना, ये सब आया। तो बस जस्ट मैंने उसको पढ़ा था, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद मेथड्स क्या होते हैं, फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट आया, फिर ऐसे करते हुए धीरे धीरे करके मैंने समझा। तो मुझको इतना आइडिया लग चुका था कि जावा क्या होता है और कैसे होता है सारा कुछ। बट अब फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने घर पे बोल दिया कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा ये वॉचमैन की, तो मैं कुछ और करूंगा। तो फिर पापा ने पापा से मैंने मतलब 18,000 रुपये मांगे, और पापा ने कही कि ठीक है। तो फिर मैंने मतलब सोचा कि 18,000 में एक पीसी असेंबल करवाऊं। तो जो पीसी, जो अब मैंने काफी पता करा, तो पीसी कुछ कर हो नहीं रहा था इतना में, क्योंकि 18,000 काफी कम होते हैं ना, उसमें हमको मॉनिटर भी लाना है, उसमें हमको हर चीज लाना है अरेंज वरेंज करके। तो मैंने मैंने क्या करा था कि अलग अलग पार्ट्स मंगा लिए थे अमेजोन से, मतलब कि यूट्यूब पे देख देख के कि भाई कैसे होता है, क्या होता है सीपीयू असेंबल। तो मैंने अमेजोन से पार्ट्स मंगाए उसके, और घर पे वो प्रॉपर पूरा एक एक चीज, मदरबोर्ड में सारा कुछ, रैम वगैरह इंस्टॉल करना और सब चीज मैंने खुद से ही कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर सारा जब मैंने कर लिया, मतलब हालांकि ये अच्छा अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि काफी रिस्की पड़ सकता था कि जो मैंने इतने महंगे महंगे रैम और प्रोसेसर मंगाए हैं, है ना, नहीं, ऐसा रिस्क लेना मैंने भी नहीं चाहिए। ऐसा किया है तुम्हारे जैसे। मैंने खुद वहां के YouTube से अच्छा देख के असेंबल किया है और चल गया था। तो रिस्क तो बहुत, डर तो बहुत लगा था कि कहीं अगर नहीं चलेगा, कुछ उल्टा सीधा कर दिए, जला दिए, तो सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। पैसा लेकिन बर्बाद फिर चल होता गया था, मतलब कोई है। हाँ दिक्कत नहीं हुई थी।
तुमने मैसेज में ये लिखा था कि तुमने अपना पीसी असेंबल किया, तो मुझे वो याद आ गया कि मैंने भी अपना पीसी खुद ही असेंबल किया था। तो फिर मतलब यही था कि मैंने पीसी असेंबल करा, फिर एक बगल में एक साइबर कैफे था घर के बगल में, तो उनके पास जाके मैंने 300 रुपए में विंडोज 10 इंस्टॉल करवा लिया था। अच्छा। फिर हाँ, फिर उसके बाद से मैंने घर पे बोल दिया कि अब मुझको ना बस 6 महीने के लिए आप लोग थोड़ा टाइम दे दें, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ 6 महीने बाद। तो मैंने काफी मतलब फिर उसके बाद मैंने जावा तो सीखा ही हुआ था, मतलब जावा के कॉन्सेप्ट मुझे पता थे, बट एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना उससे, तो ये मैंने नहीं करा हुआ था। तो अब मैं फिर बेसिक से क्वेश्चंस करने लग गया, जैसे कि स्टार, मतलब स्टार से पिरामिड प्रिंट करना, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे बेसिक बेसिक से होते हैं बहुत, वो सब करने लग गया, ठीक है, जैसे कि एरे एरे वगैरह ये सब, मतलब धीरे धीरे करके एरे वगैरह पे पहुंचा, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करने लग गया। कितने घंटे तक तुम दिन भर टाइम देते थे कोडिंग को? कोडिंग को जब मैं इनिशियल डेज में, जब तक मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आया था, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं होता था, मैंने घर से टाइम मांग लिया था, तो मैं सुबह का बैठता था, तो फिर मैं ये समझिए कि मतलब 10-12 ऐसा तो बज ही जाता था, कभी कभी तो एक एक दो दो बजे तक भी मैं जगे रहता था, और रात मतलब के 1-2 बजे तक। हाँ हाँ, जगे रहता था, और पूरा डेडिकेशन से मैं लग चुका था कि नहीं भाई मुझे करना है। और ये समझिए कि मैंने मतलब कि क्या होता है ना कि जैसे आप नींद से उठे, या फिर कोई नींद से उठे तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? तो मेरे दिमाग में उस टाइम जो सबसे पहला थॉट चलता था वो यही चलता था कि ये क्वेश्चन अटका पड़ा था, ये कैसे होगा। वही चलता है, जब पूरे टाइम पढ़ो तो वही चलता है, सपना भी उसी का आएगा, जो प्रॉब्लम अटका रहेगा वो सपने में सॉल्व करोगे बैठ के, तो और कई बार हो भी जाता है सॉल्व, सपने आइडियाज मिल जाते हैं ना। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी चैट कर रहा था एक बंदे से, ठीक है, मतलब कुछ उसको मैसेज लिख रहा था, तो मैं नींद में था उस टाइम, जिस टाइम मैं मैसेज टाइप कर रहा था उसको, तो मैं नींद में था, और फिर मैंने एकदम से देखा ना, तो वो मैं जावा में मैसेज लिख रहा था, वो स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू ये सब लिख रहा था। अच्छा। मैंने कहा भाई सेंड कर दिया था मैसेज की नहीं? नहीं, सेंड नहीं करा था, फिर मैंने वो इरेज करा, फिर लिखा मैंने। अच्छा। नहीं तो कहता ये क्या है, सीधा मैसेज नहीं लिख सकते, वेरिएबल बना के मैसेज। वही तो। हाँ। तो वही था, तो काफी मैं लगा हुआ था, मतलब पूरा डिस्ट्रैक्शंस मैंने खत्म कर दिए थे लाइफ से, जो भी मेरे जो दोस्त थे उनसे मैं फिलहाल के लिए तो मैं नहीं कॉन्टेक्ट कर रहा था, क्योंकि और जो भी होता है स्कूल टाइम के दोस्त या कुछ और, तो उनसे मैं मतलब बहुत कम कॉन्टेक्ट मैंने कर दिया था। काफी टाइम तक मैंने अपना ये सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे करियर की पड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने 6 महीने बाद, मैं कुछ खास तो नहीं सीख पाया था, बट फिर भी मतलब मैंने जावा सीख ली थी, मैंने एंड्रॉयड सीख लिया था, बट एंड्रॉयड में मुझको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब कि अच्छा मुझे ये बताना कि तुमने 12th तक ही पढ़ाई किया था ना? हाँ, उस टाइम तो मैंने 12th तक ही करा था। हाँ, तो तुम्हें ये कैसे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन था कि इस फील्ड में तुम्हारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि सबको लगता है, सब बोलते हैं कि डिग्री के बिना नहीं होता है इसमें कुछ। हाँ। तो ये कहाँ से पता चला था और तो, वो क्या था जो तुम्हें इतना मोटिवेट कर रहा था? मतलब बहुत लोगों को तो डिग्री करने के बाद भी डाउट रहता होगा कि नहीं छोड़ देते हैं थोड़ा सा करके। मेरा ये था कि जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, जॉब अगर नहीं, मैं जैसे जॉब नहीं लगी तो मैं फ्रीलांसिंग करूंगा, और उसमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिले तो मैं कुछ अपना कुछ ऐप बना दूंगा, जो कि बहुत ही बचकानी बात है, मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब आप खुद का ऐप बनाए और चल रहे हो तो वही होता है। वही था बस, एक चीज की ऐप बनानी है और बस। अच्छा, तो मतलब इनिशियल मोटिवेशन मेरा यही था कि मुझे ऐप बनानी है।
अच्छा ठीक है, मतलब कुछ खुद का मतलब बना लेंगे, खुद का अगर कुछ। अगर हाँ 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 अगर जॉब लग गई तो ठीक है, अगर जॉब नहीं लगी तो फ्रीलांसिंग कर लेंगे, नहीं तो खुद का कुछ बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे अगर करेक्ट करेक्ट कोडिंग करेक्ट, सीख लिया ये था तो। हाँ दिमाग में। तो मैं फिर अब घर पे, घर से प्रेशर आ रहा है कि भाई तू इतने इतने दिन से बैठा हुआ है, कुछ कर कुछ कर। तो फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करा, Naukri.com, इंडीड, लिंक्डइन, हर जगह मैंने, जैसे हम इंस्टाग्राम पे खोलते हैं तो पोस्ट लाइक करते हैं ना, तो वैसे मैं ये सारे ऐप्स खोल खोल के ना, मैं जॉब पोर्टल्स खोल के मैं अप्लाई करे जा रहा था इतनी स्पीड से, मतलब जो भी दिख रहा था मैं उसको अप्लाई कर रहा था। बट हाँ काफी मतलब कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा था लोगों का, तो मतलब उसमें फिर मैं JD उसका पढ़ता, जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी वगैरह पढ़ता, तो फिर मेरी तो हालत खराब हो जाती कि भाई ये तो BTech मांग रहे, तो MTech मांग रहा है, ठीक है कि MTech प्रेफर्ड। तो फिर मैं काफी ज्यादा मतलब डिमोटिवेट भी हो गया था। फिर मुझको फिर एक टाइम पे आने पे मैंने होप छोड़ दी थी कि मुझे कोई जॉब मिलेगी। तो फिर मैं फिर कॉल सेंटर वगैरह में गया जॉब पता करने, मॉल वगैरह में जॉब पता करने गया, कि दुकान वुकान पे जॉब पता करने गया, क्योंकि अब मैं बैठ नहीं सकता था और दिन ज्यादा घर पे। तो 6 months हो फिर गया 6 था। मंथ नहीं, 1 साल हो गया था, मतलब ऐसा करते करते मुझे, अच्छा, हाँ 1 साल हो गया था। काफी टाइम निकल चुका था। तो हाँ घर वाले भी कह रहे, घर वाले भी सोच रहे थे कि ये पागल बना रहा है हमको, मतलब कि ये काम नहीं करना चाहता इसलिए बहाने मार रहा है कुछ कुछ। हाँ तो फिर मतलब मैंने मतलब मॉल वगैरह में जॉब के लिए पूछा, दुकान वगैरह में जॉब के लिए पूछा, तो वहां पे भी फिर उस टाइम तो जॉब की बहुत दिक्कत थी कोरोना के टाइम पे, कोरोना से जस्ट सेकेंड वेव इन सब में, तो बहुत दिक्कत थी, तो जॉब मिल नहीं रही थी कोई। तो एक कॉल सेंटर में जॉब मिला बहुत मुश्किल से मुझको, ठीक है। अच्छा हाँ तो कॉल सेंटर में, बट वो फ्रॉड काम करते थे वो, मतलब ना ऐसे 10-20 बंदे हायर करके और फिर मतलब कहीं से लोगों का नंबर निकाल के फिर उनको कॉल करके और नकली प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते, जैसे मतलब कि नकली दवाइयाँ बेचते और महंगे महंगे रेट पे, तो वो था उनका। तो फिर मुझे वो काम पसंद नहीं आया कि भाई किसी गरीब आदमी को हम झूठ बोल के बोल रहे हैं, कॉल करके बोल रहे कि हम डॉक्टर हैं और हम डॉक्टर नहीं हैं, और किसी गरीब आदमी को हम लूट रहे हैं पैसा उनका, मतलब झूठ बोल के, तो ये गलत लगा मुझे। तो फिर मैंने फर्स्ट डे ही घर पे आके बोल दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर पापा भी काफी गुस्सा हुए कि तू ये सब क्या दिमाग में बैठा लेता है अपने, है कि कोई भी काम गलत नहीं होता, तू पहले अपने घर का सोच, ये सब क्या सोच रहा है। बट मैंने छोड़ दिया, मतलब कि मुझे नहीं पसंद नहीं आया वहां पे। तो फिर उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम मिला मुझे घर से और, कि 1 हफ्ते में जॉब ढूंढ ले, नहीं तो फिर वॉचमैन की जॉब ही कर, मतलब कुछ ना करने से बेटर है कुछ कर, तो इसलिए वॉचमैन की जॉब कर, एक एक हफ्ते का टाइम है। तो फिर एक ऐसे ढूंढते ढूंढते एक ना उनको एक प्रोजेक्ट मिला मुझको फ्रीलैंसिंग टाइप का, तो फिर उन्होंने मुझको मिलने के लिए बुलाए जसोला अपोलो, एक जगह है दिल्ली में, तो जसोला में गया था मैं DLF में। तो वहां पे उन्होंने मुझको, मतलब मुझको तो काफी वहाँ मतलब इंसल्ट सा फील हुआ था, वो तो डायरेक्ट उन्होंने बोले थे ना कि जो मेरे जो प्रोजेक्ट थे जो रिज्यूमे में थे, तो उनको देख के उन्होंने बोले ना कि ये आपने किसी उससे बनाया है, कि मतलब जो क्लिक, जो बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं ना जिसपे क्लिक क्लिक करके आप ऐप बना देते हैं, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप से समझ ड्रैग एंड लो। ड्रॉप वाले, हाँ, तो वो कह रहे ये तो आपने उन सब टूल का यूज करके बनाया होगा, वो हम कैसे यकीन करें, क्योंकि मैं उस टाइम ऐसा प्रोफेशनल लगता नहीं था दिखने में, ठीक है। हाँ तो उन्होंने मेरे में तो मुझे काफी इंसल्टिंग लगा, तो उन्होंने मुझको मना कर दिया कि हम आपको प्रोजेक्ट नहीं दे सकते वाला। फिर मैं वहां से निराश होकर घर पे आया, फिर उस टाइम मतलब कि फिर बीत ही गया था काफी, 3-4 दिन। फिर सडनली ना मैं जॉब के लिए अप्लाई कर ही रहा था कॉन्स्टेंटली, फिर सडनली अब कह लीजिए, अब मतलब कि भगवान की कृपा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मेरा एक जिम से कॉल आया,
मतलब उनका जिम का चेन है पूरे भारत में, तो वो क्या जिम का वो मेंबरशिप वगैरह लेके वो काफी जिम का मतलब उसमें काफी अच्छा उनका चेन बना हुआ, नेटवर्क बना हुआ इंडिया में। तो उनको ना अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करवाना था कुछ, मतलब बेसिकली उनको अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करवानी थी। तो उन्होंने वो एक हायर कर रहे थे उस टाइम एक बंदा, तो उन्होंने तो उनके एचआर का मेरे फोन आया। तो एचआर ने तो मैं उनसे जाके मिला एचआर से द्वारका में, तो उन्होंने मतलब इंटरव्यू वगैरह हुआ और मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। तो उनको भी बहुत अर्जेंट चाहिए था एक बंदा, ठीक है, मुझको भी जॉब चाहिए थी, तो बस वही बात बन गई। उन्होंने मुझको ऐसा 10K पर मंथ दिया, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले एक और इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। मतलब मेरी जॉब लगी थी, बट फिर एक दिन में मुझको फर्स्ट डे ही फायर कर दिए थे वहां से कुछ, मतलब उनको तो वो भी हुआ था, बट कोई नहीं। क्या तो यहाँ से रीजन मतलब बताए थे, कुछ रीजन बताए थे हायर करने का? हाँ, रीजन बताए थे, वो रिमोट जॉब थी और मेरी इंटर्नशिप थी वहां पे। तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिए थे मेरे से, तो उन्होंने एक लॉगिन की एपीआई दी मुझको, रेस्ट एपीआई लॉगिन की। तो उनके ना एपीआई में कुछ एरर आ रहा था, कुछ रिस्पॉन्स ही ठीक से नहीं आ रहा था। तो मैं उनको बस ये इन्फॉर्म करा कि रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आ रहा। तो उतने में वो गुस्सा हो गए, शायद वो मुझको मतलब शायद वो जमता नहीं उनको मेरे साथ आगे, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ देख के उन्होंने मुझे फायर कर दिया फर्स्ट डे। फिर अच्छा, मतलब हाँ, एक दिन वहां पे भी काम करा था मैंने। फिर उसके बाद मैंने जिम में काम करा, जो जिम जिम के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहा था उसमें मैंने ऐसा 6 महीने के आसपास ऐसा काम करा। तो काफी सही रहा एक्सपीरियंस, वो काफी अच्छे थे जिन्होंने मुझको, जो वहाँ के एमडी थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो 6 महीने बाद मैंने वहाँ से स्विच करा, तो एक ब्रॉडकास्टिंग की कंपनी है गुड़गांव में, तो मैं वहाँ पे जॉब करा मैंने। वहाँ से भी काफी कुछ सीखने को मिला मुझको, जैसे स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल्स और गिट के जो एडवांस फीचर्स हैं वो सब कुछ कुछ पता चले मुझको। जिम और फिर वाले उसके में बाद मैंने कितना दिन काम किया था? जिम वाले में 6 मंथ, अच्छा, ठीक यस। हाँ, तो बस यही था। मतलब फिर मैं अभी करंट कंपनी हूँ जिसमें तो वो रिमोट है। है। तो ब्रॉडकास्टिंग वाली कंपनी में क्या काम रहता था? उसमें जैसे कि जो काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ऑल्ट बालाजी हो गया और सोनी लिव हो गया, या फिर कोई दूसरी एप्लीकेशन होगी जो मतलब वीडियोस स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग करती है, उन एप्लीकेशंस पे मैं काम करता था। मतलब मैंने ऑल्ट बालाजी पे काम कर रखा है, मैंने लॉयंस गेट प्ले पे काम कर रखा है, और मतलब कि काफी टिकटॉक टाइप की एप्लीकेशन भी बनती थी वहाँ पे, शॉर्ट्स वीडियोस टाइप की, तो उस पर ही मैंने काम कर रखा है। तो इससे मुझे काफी सारी चीजें जानने को मिली, मतलब कि स्ट्रीमिंग के अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, और जैसे एचएलएस हो गया, वो हो गया, डैश हो गया, तो ये सब चीजें पता चली। डीआरएम क्या होता है, डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इनक्रिप्शन जो वो होते हैं, इनक्रिप्शंस क्या बोलते हैं उसको, MD5 हो गया और SHA-256 हो गया, इसको प्रोटोकॉल बोलते क्या बोलते हैं, हाँ, एल्गोरिथम बोलते हैं, सॉरी हाँ इनक्रिप्शन एल्गोरिथम एल्गोरिदम बोल। हाँ, तो उन सब के बारे में जानने को मिला। तो वही है, सीखा मैंने काफी कितना दिन तक तत्परता काम से किया वहां पे? वहां पे। ऐसा 1 साल हो गया, मतलब अच्छा, तो 11 मंथ, 11 मंथ्स। ठीक है। फिर ये यूएस वाली कंपनी कैसे मिली, हाँ, तो और इनका उसमें मैंने कितना था तुम्हारा सैलरी, कितना था दूसरे वाले में? दूसरे वाले में स्ट्रीमिंग वाले में मेरा था 25 इन अच्छा, हैंड। ठीक हाँ है, तो 10 से 10, 25 हो गया एक स्विच में। हाँ ठीक है। फिर अभी जो ये वाला था, तो जो अभी मैं करंट कंपनी में हूँ, तो हाँ, यहाँ पे आने से पहले मैंने एक उसमें
एचआर के पोर्टल पे मैंने साइन अप कर रखा था, तो वहां से फिर जो एचआर की जो जो कंसल्टेंसी वाले थे, तो उन्होंने मुझे कॉल करी कि एक कंपनी है और उनको चाहिए एक बंदा, तो आप करोगे? तो मैंने मतलब फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ मेरा, और फिर उसके बाद 2 राउंड हुए, उसके बाद फिर मतलब हो गया, मतलब फाइनल हो गया। और फिर उस टाइम इनिशियली मुझको मतलब 35 मिल रहा था इन हैंड, बट इन्होंने मतलब मेरा काम देखते हुए और मेरी स्पीड वगैरह सारी चीजें, मतलब जिस टाइप से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और सही तरीके से काम करता हूँ, तो फिर इन्होंने काफी अच्छा मुझे हाइक दे दी, तो सही है, अच्छा है। और मतलब लोग भी काफी, जो मेरे कलीग्स हैं और जो मेरे सीनियर हैं, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, मतलब तो काफी काम करने में भी अच्छा लगता है, मजा आता है, ऐसा है। सही है। तो तुम्हारी जो टीम है वो इंडिया यूएस दोनों में है या कहाँ, मेनली कहाँ पे बेस्ड है तुम्हारी मतलब टीम? ज्यादातर लोग तो इंडिया गए हैं, मतलब अच्छा। और वर्किंग आवर्स क्या रहता है, कितने बजे से? वर्किंग आवर्स रहता है वैसे तो फ्लेक्सिबल है, मतलब कि आपको बस अपने दिन के ऐसा देने होते हैं, 8 घंटे आप कभी भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा सही है। तो इस कंपनी में कितना साल हो गया, 1.5 साल होने वाले हैं? है। अभी तो 1.5 साल होने वाला है। सही है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हाँ अभी तो सही चल रहा है फिलहाल। हाँ घर को सपोर्ट कर पा रहे हो अच्छे से? घर को तो सपोर्ट कर रहा हूँ, जो हमारा जो लोन था वो सारा हो गया क्लियर, मम्मी के जो गहने गहने वहने रखे हुए थे मुथूट फाइनेंस में, अच्छा। उसको उसको निकलवा लिया, उसको छुड़वा लिया, बस अभी तो सही चल रहा है। बाकी अभी घर लेना है तो देखते हैं। हाँ, सब हो जाएगा एक एक करके। और वो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है तुम्हारी, मतलब इतना इतना ज़्यादा, मतलब पढ़ते हुए और वॉचमैन के टाइम पे तुमने जॉब किया, मतलब वॉचमैन की जॉब करते टाइम पर तुमने पढ़ाई किया, ये मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, सब नहीं कर पाते हैं, बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई ना कोई मतलब डिस्टर्ब करता रहता है। नहीं उस टाइम तो वो था ना, कोविड तो का टाइम था, तो कोई ऐसे पूरा भी घर से बाहर शांत नहीं था। रहता था। हाँ सही है। तो मतलब सोचो, इमेजिन करो कि कोई वॉचमैन है, बैठ के वो जावा की बुक पढ़ रहा है कैसा कैसा लगता है, मतलब बहुत ही अलग, नेक्स्ट लेवल। तो सही बात। तुम उन लोग को क्या कहना चाहोगे जो मतलब कोडिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और डिग्री नहीं है उनके पास, उन्हें सेल्फ डाउट है, और मतलब कैसे मतलब वो पढ़ पाएं और इस फील्ड में आ पाएं, मतलब क्या मेन इंग्रेडिएंट है जो कि नो डिग्री टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से तो वो चीज है डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, मतलब बिल्कुल। कि आप बिल्कुल अच्छे से लगे और निरंतर आप प्रयास करते रहिए तो आपको मिलता है, मतलब वही बिल्कुल सही बात है। और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये सबसे ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरा उस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी का तुम्हारे स्किल पे आउटपुट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डेडिकेशन और बिल्कुल कंसिस्टेंटी तो दे रहे हो, कंसिस्टेंसी लेकिन कुछ बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा है हाँ तुम्हें सही सही तो सही वो काम नहीं करेगा, मतलब वो जो टाइम तुम दे रहे हो, और वो होगा जब तुम उतना टाइम दोगे, डेडिकेशन से मेहनत करोगे, तो स्किल तुम्हारी इम्प्रूव होगी। करेक्ट। और मैटर करता है जब कंपनी में जॉब लेने जाते हो तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्किल, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो जॉब मिल जाएगी, और उतना इजी नहीं होगा जितना मान लो कोई कॉलेज डिग्री जिसके पास है अच्छे कॉलेज से, उसके लिए हो सकता है ज़्यादा इजी हो सकता है, लेकिन ये भी कोई प्रूव नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो आईआईटी वाले भी 40% आईआईटी वालों का ही जॉब लग रहा है, 60% अभी मैंने जल्दी ही न्यूज़ करेक्ट देखा था, ऐसे ही कुछ रेशियो है, मतलब वो भी जॉबलेस घूम रहे हैं आईआईटी वाले,
फिर क्या ही कहा जा सकता है नॉर्मल कॉलेज वालों का। बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके रितेश। जब जब मैं हाँ हाँ बोल लो। जब मैं लास्ट कंपनी में था ना, तो वहाँ पे मतलब काफी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते थे ना, तो जो मेरी टीम के बंदे थे ना, जस्ट मतलब कि तो मतलब मैं IITN के साथ भी काम कर रखा हूँ ना, तो उस टाइम मुझे काफी सही लग रहा था कि मैं यार जस्ट एक 12th मैंने पास करा और मैं मतलब IITN के साथ हूँ, काम कर रहा हूँ, तो काफी सही था। बहुत मतलब बहुत सही लगता है। मतलब मैं भी तुम्हें मेरा बैकग्राउंड पता है? नहीं मुझे बताइए थोड़ा। मैं आज भी 12th फेल हूँ और मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। मतलब तुम तो BCA कर रहे हो पैरेलली, मैं 12th फेल हूँ 2 बार और मैं UK बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ अभी, और मैं भी IITs के साथ मैंने काम किया है और भी मतलब बड़े बड़े कॉलेज के जो लोग होते हैं उनके साथ काम किया है, आज भी करता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मैं रिकॉर्डिंग अगर डेडिकेशन है तो कुछ भी पॉसिबल है, तुम कहीं भी पहुंच सकते हो, है करेक्ट ना? करेक्ट। ठीक है, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए तुमने रिसोर्सेस कौन कौन से फॉलो किए थे, कुछ शेयर कर सकते हो क्या? हाँ, पहले तो जैसे कि उस टाइम एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो थी वो जावा और कॉटलिन में होती थी, तो जैसे कि मैंने जावा पहले सीखा हुआ था, तो जावा सीखने के लिए तो मैंने वो वाली बुक यूज करा था, जावा फॉर डमीज बाय डॉग लोवे। और फिर उस बुक को पढ़ने के बाद W3 स्कूल से मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे बेसिक बेसिक से, तो उससे मेरी जावा में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आई थी। और जावा कर कर चुकने के बाद फिर मैंने एंड्रॉयड का मैंने स्टार्ट करा था कोड विद हैरी से, मतलब अच्छा। कि कोड विद हैरी भाई बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने काफ़ी मतलब वो बिल्कुल ऐसा दोस्त यार की तरह समझाते हैं, तो काफ़ी सही लगा था मुझे। बट उनका मतलब वीडियोस, उनकी जो वीडियोस थी तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डेप्थ नहीं लगा, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा डीप में मुझे जानकारी नहीं मिली। तो फिर मैंने मतलब मैंने और भी, मैं उस टाइम रिसोर्सेज भी कम थे यूट्यूब वगैरह पे और इधर, और यूडेमी पे थे, बट यूडेमी के मैंने कोर्स वगैरह नहीं खरीदा था कुछ भी, तो इधर उधर से करने लग गया। अनुज भैया फिर एक आए थे, तो अनुज भैया से देखा मैं उनका, बट मुझे उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो एक एक ही बारी में डेटा बाइंडिंग ले आ रहे थे और सारी चीज़ मिक्स कर दे रहे थे, तो वो जम नहीं रहा था मुझे। फिर अच्छा। मैंने मुझको एक ना गूगल का यूडेसिटी पे मुझको एक कोर्स मिला, गूगल का फ्री कोर्स मिला, एंड्रॉयड डेवलपर नैनो डिग्री प्रोग्राम करके, तो फिर उसको मैंने करा, उसको मैंने अच्छे से ख़त्म करा। तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझाए कि एक्टिविटी क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ये सब क्या होता है, मतलब कि सर्विस लॉन्च कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, परमिशंस कैसे लेनी है, बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में उन्होंने बताए, API कॉल कैसे करनी है और JSON को पार्स कैसे करना है, सारा कुछ अच्छे से, मतलब मैंने वहाँ से एक एक चीज़ सीखा। वो सब सीखने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डाउट्स थे मेरे मन में, तो उस टाइम एक YouTube चैनल था, उनका नाम है योर्स ट्रूली करके नाम, मतलब ट्रूली मित्तल नाम है उनका, अच्छा। और उन्होंने का उस टाइम उनका नाम चैनल का योर्स ट्रूली था, बट उनका नाम अभी हो गया चैनल का कोडिंग कोडिंग माफिया या माफिया कोड्स, ऐसे कुछ करके नाम है उनका। तो उनसे मैंने मतलब उन जो मेरी जो डाउट्स थे, तो उनकी वीडियोस से मैंने काफ़ी कुछ क्लियर करा है। और बस बाकी तो मतलब वही है कि जो 20% है वो मैंने बाहर चीज़ों से सीखा है, मतलब यूट्यूब या फिर गूगल या फिर स्टैक ओवरफ्लो या फिर उससे क्या बोलते हैं उसको, कोर्स से, यूडेसिटी। यूडेसिटी यूडेसिटी वाले से। बाकी जो 80% है वो मैंने खुद से कर करके, गलतियां कर करके ही सीखा है। तो कभी भी कोई एरर आए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा
मतलब धैर्य से काम लेना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और वो सॉल्व हो जाएगा एरर। उससे फिर 10 चीजें और सीखने को मिलती है, बस ये वाला माइंडसेट होना चाहिए था, मतलब होना अच्छा चाहिए सब में। सही है, मतलब बहुत ही सही है। अच्छा मैंने सुना है तुम पोएम्स भी लिखते हो जी मैंने ये लिखी है पोएम्स, कुछ काफी सारी शेयर लिखी है। करना हाँ चाहोगे? बोलते भी हो या बस लिखते हो? मतलब मैं प्रोग्राम कवि सम्मेलन वगैरह भी करता हूँ और जाता हूँ वहाँ पे, बोलता भी हूँ। अच्छा तुमने प्रोग्राम बोला तो मुझे लगा कि तुम प्रोग्राम में पोएम लिखते हो, जैसे नहीं मैसेज मैसेज प्रोग्राम वो में मैसेज तुम लिख रहे थे ना भी वैसे। सही, वो भी सही कॉम्बिनेशन है, प्रोग्रामर और एक पोएट हाँ का। ठीक है, कुछ पोएम्स अगर हो तो शेयर कर सकते हो, अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, नहीं अगर। हाँ हाँ मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा आप सबके, मतलब जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग हाँ उनको थोड़ा प्रोत्साहित मोटिवेट करने के लिए बोलता हाँ हूँ कि बिल्कुल प्रबल वेग से बढ़ो लक्ष्य को, प्रबल वेग से बढ़ो लक्ष्य को, पैरों की गति ना मंद रहे, अवरोधों से पथरोधों से जारी निश्चिंत बंद रहे। मतलब लास्ट में टू क्या लाइनर्स था? लास्ट वाला मीनिंग बहुत ज्यादा हिंदी हो गया। लास्ट का जो दो वर्ड था द्वंद रहे उसके। अवरोधों से पथरोधों से जारी हाँ निश्चिंत बंद रहे, जारी निश्चित, ओके निश्चित निश्चिंत मतलब आई दिन द्वंद होप। रहे, ठीक है समझ आ गया मुझे। इसको अवरोधों से पथरोधों स्क्रीन से, स्क्रीन पे एक बार लिख दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ मैं उसको लिख दूंगा। तो कोई भी रो रो का मतलब रुकावट आए, कोई भी पथ रोध आए, रास्ते में रुकावट आए, उससे तुम्हारी लड़ाई हर दिन चलनी चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट। बहुत ही शानदार कविता। अच्छा तो तुमने लिखा है? हाँ मैंने और भी लिखी है, काफी सारी लिखी है। कविता लिखने के लिए तो मैं 9वीं क्लास से लिख रहा हूँ, जब मैं 9th में था तो मतलब अच्छा हॉबी है मेरी लिखने, कविता लिखना। तो बस जब भी टाइम मिल जाता है कुछ ऐसा कुछ हिट करता है दिमाग में तो फिर लिख देता हूँ, ऐसा होता है। कविता मुझे भी फैसिनेट तो बहुत करती है और अच्छा मन भी करता है कि लिखूं कविता। बहुत ही पावरफुल चीज होती है, अगर किसी को कोई मैसेज कम शब्दों में अगर कन्वे करना है तो करेक्ट। बहुत ही पावरफुल चीज होती है। चाहता तो हूँ लिखना लेकिन आता नहीं होता है होता है। है मैं जब मुझे जॉब वगैरह कहीं नहीं मिल रही थी और जब काफी ज्यादा एरर्स आ रहे थे सीखने के टाइम और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था ना जब लर्निंग के टाइम में, तो मैं क्विट करने वाला था कि मैं सोच रहा था ये मेरे लिए बना भी है या नहीं बना, ये प्रोग्रामिंग ये सब, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जबरदस्ती इसमें आ रहा हूँ, है ना। तो उस सिचुएशन में मुझको मोटिवेट करने वाला जो एक चीज था वो थी कविता। कवि एक दिनकर जी की एक कविता है, मंजिल दूर नहीं है, तो वो लाइनें उनकी दिमाग में मेरे आती थी जब भी मैं मन करता था कि क्विट कर दूं, तो वो लाइन दिमाग में आती थी मेरे। हाँ बोलो बोल, याद है तुम्हें वो हाँ कविता? याद बोल याद सकते है हो? मुझे। हाँ बोल। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर वन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। बस हाँ यही बहुत ही यही कविता मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी कि मतलब थक के ऐसे हार नहीं मानना, क्या होता मैं 2 स्टेप चलूं और मुझको मेरा हाँ डेस्टिनेशन मिल जाए। वही, मतलब क्या पता तुम एकदम पहुंचने वाले हो, वहां से जाके छोड़ हाँ दो। करेक्ट ठीक है, तो करेक्ट वही बिल्कुल जब तक पहुंचना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, बस ये वाला बिल्कुल एटीट्यूड रख रख के चलना है। बस एक चीज माइंड में क्लियर हो कि तुम सही काम कर रहे हो, मतलब सही यस रास्ते पे जा रहे हो, ये अगर क्लियर है तो पहुंचोगे, मंजिल पे पहुंचोगे जरूर। सही बात है। बिल्कुल सही है, तो बहुत अच्छा लगा रितेश तुमसे बात करके, तुम्हारी थैंक यू। स्टोरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी, और जो प्रोग्रामिंग छोड़ना चाहते हैं
जो कर रहे थे डिमोटिवेशन के कारण, जॉब ना मिलने के कारण, किसी भी स्ट्रगल के कारण, उनको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करेगी कि ट्राई करना yes. चाहिए और पॉसिबल है, अगर मेहनत करेंगे तो पॉसिबल कुछ भी है। ठीक है right. चलो फिर रितेश, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक यू अनुराग। ठीक है, हो गया, एंडिंग भी खत्म। आराम कर लो। अगर आपने अभी तक गीक्स फॉर गीक्स को चेकआउट नहीं किया है तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर गीक्स फॉर गीक्स का जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको जरूर ट्राई करिए। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करिए और जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। बताओ तुम्हें कैसा लगा? मुझे सही लगा, बस मैं थोड़ा बोल नहीं पाता ना, मतलब थोड़ा फंबल सा करता हूं ना मैं। थोड़ा सा जब तुम्हें लगता है कि तुम रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहे हो तो फंबल करते हो, जब लगता है कि अब रिकॉर्डिंग नहीं होगी, अब इस चीज को कट करना है, तो बहुत ही अच्छे से बोलते हो। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, तुम कोई वो थोड़ी हो, यूट्यूबर या स्पीकर। बहुत अच्छा, स्टोरी तुम्हारी बहुत अच्छी है और वो मैटर नहीं करता, मतलब कि तुमने फंबल किया या कुछ भी किया। कैमरा प्रेजेंस, जैसे मैं आंख में इधर उधर देख रहा हूँ मैं इधर, तो वो सब कम होगा मेरा। मैं जब वो स्ट्रीमिंग वाले कंपनी में गया था ना, फर्स्ट डे गया था, तो मेरा जो टीममेट था एंड्रॉइड में ही था वो भी, तो उसने पूछा कि वो मेरे से 2 साल बड़ा, मैंने बोला कि क्या रहा भाई कौन सी प्रोफाइल है, तो मैंने बोला एंड्रॉइड के लिए आया हूँ। तो पूछने लगी क्या करा है तुमने, तो मैंने कहा भाई मैं तो अभी जस्ट 12th पास हूँ, अभी तो मैंने कुछ मतलब कुछ नहीं कर रहा अभी। वो पता क्या कह रहा भाई तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बोल सकते अब। अच्छा। कह रहा है कि उसने बीटेक कर रखा था और वो मेरे से 2 साल बड़ा भी था एज में, तो वो कह रहा कि तुम कुछ भी कर लो तो तुम अपने आप को इंजीनियर नहीं बोल सकते। और आज वही बंदा है वो, मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मुझे फोन करते रहता है, एनीडेक्स में लेते रहता है कि भाई प्लीज करवा दो प्लीज करवा दो। तो वही है ना, मतलब वही मुझे तो मतलब डायरेक्टली ऐसा कहीं भी किसी ने वहां पर नहीं बोला, कंपनी में सारे लोग जो भी थे काफ़ी रिस्पेक्टफुल थे और इज्जत करते थे मेरी, और पूछते तो थे वहाँ पे भी मुझसे, मतलब चाहे जो एम टेक किया हो बी टेक किया हो, पूछते तो सब आके, लेकिन वो उस टाइम पे भी रिस्पेक्ट करते थे, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यूट्यूब पर कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता है, अगर 12th फेल हो तो ऐसा बन ही नहीं सकते। मुझको भी ऐसे बोलते हैं काफी लोग, मतलब हाँ मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब उन्हें लगता है हम खुद से बना के बोल रहे हैं, लेकिन कंपनी में डिजिग्नेशन मिला है भाई, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वो डिजिग्नेशन है तुम्हारे जॉब प्रोफाइल पे। ऑफर लेटर मिला था तो उसमें लिखा था मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर लिखा था, यू आर अपॉइंटेड। केवल ऑफर लेटर में ही नहीं, तुम वहाँ कंपनी के पोर्टल में जाके देखोगे ना, जहाँ पे वहाँ पे तुम्हारी पूरी पर्सनल डिटेल्स होती है, वहाँ पे भी लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, मतलब जो सबका है वही तुम्हारा है। मेरे भी मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 10th था, ठीक है, एक कॉलम था हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th, डिजाइनेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत सही। कई बार पता है कंपनी वाले जो कंपनी के कलीग्स होते थे ना, वो बोलते थे मजाक कर रहे हो यार तुम, मतलब ऐसे कैसे हो सकते हो, मजाक कर रहे हो कैसे 12th 10th पे। हाँ तो मैं दिखाता था कि देखो इधर तुम खोलो अपना, तुम्हारा दिखाओ और मेरा ये देखो, तो उसी में मेरा दिखता था, मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th और जो डिजिग्नेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, बस करने की वो होनी चाहिए। सही बात है, आप तो बहुत सही, मतलब 10th, आप सिर्फ 10th पास है और तब भी इतना कुछ कर ले। और मैं आगे पढ़ूंगी, मैंने कोई पढ़ने का प्लान भी नहीं है। हाँ सही है, पहले मैं भी आपकी जैसा सोचता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा होगा ना
मुझे आज भी, मुझे आज भी अगर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ ना, वो सीरियसली मतलब मुझे सीरियसली जेन्युइनली मुझे वो एडवाइस करते हैं कि पढ़ लो, ऐसे नहीं चलेगा, मतलब आगे बहुत दिक्कत होगी, जब तुम्हें सीनियर रोल्स पे जाना होगा तो दिक्कत होगी, या मतलब आगे जाने में दिक्कत होगी, मतलब जेन्युइनली जो समझदार लोग होते हैं वो भी मतलब एडवाइस करते हैं, लेकिन मुझे मुझे नहीं करना है, मतलब मैं उनके उनके मुँह पे मैं बहस नहीं करता हूँ कभी भी, बोलेंगे हाँ मतलब आपकी बात सही है, आगे चल के दिक्कत हो सकती है, करना चाहिए, मतलब देखेंगे करेंगे। मेरी तो बैक बैक लगी है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, पढ़ने का मन ही नहीं करता हूँ क्या करूँ। वही वही मेरा हाल है, मतलब वही इसीलिए ट्वेल्थ भी नहीं हो पाया था, मन ही नहीं करता है पढ़ने का, क्लास का सब्जेक्ट होता है। अगर आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसे ही है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी के थ्रू बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, बस आपको मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज करना है, अपनी स्टोरी लिख के शेयर करनी है, फिर आपको भी मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा और आपकी स्टोरी हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।